फिल्म के। सर सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगा, आज मुकद्दर का फर्स्ट शो है, जब कोई कलाकार का फर्स्ट शो होता है इस फिल्म का, तो किस तरह का अनुभव होता है, कितनी खुशी मिलती है, कितना उत्साह मिलता है? मैं देखिए बहुत एक्साइटेड हूँ, और मीडिया आई हुई है और हमारे साथ बैठे हुए इस समय हमारे छोटे भाई सुपर स्टार जो स्तंभ है इस समय भोजपुरी इंडस्ट्री के, और इनको यंग जनरेशन है बहुत लाइक कर रहा, सबसे ज़्यादा यंग जो लड़के लड़कियाँ हैं वो बहुत लाइक कर रहे हैं। और केसारी नहीं आए, केसारी जी नहीं आए, कल मैं आया था जब, तो सबसे पहला एक ही सवाल था, मैंने बोला भाई मैं भी हीरो हूँ, बोले भैया ठीक है लेकिन केसारी जी नहीं आए। तो मुझे आज बहुत खुशी हो रही है कि मैं इनके साथ में बैठा हूँ, और मेरी फिल्म जो मुकद्दर रिलीज हुई है और उसका प्रमोशन करने मेरे भाई आए हुए हैं, तो दिल से प्रमोशन कर रहे हैं, जिस तरह से दिल से इन्होंने काम किया फिल्म में, फिल्म बड़ी हिट हुई है बिहार और झारखंड में। मैं उम्मीद करता हूँ कि मुंबई, गुजरात, यूपी, दिल्ली समेत सब जगह हिट होगी। तो जब दो फिल्मों वाली मतलब फिल्म रहती है तो प्रतियोगिता कितना बढ़ जाता है, और इस फिल्म में कौन किस पे भारी पड़ रहा है ज़्यादा? इस फिल्म में केसारी जी सब पे भारी हैं, कुर्बानी देते हैं, इससे बड़ी बात कोई हो नहीं सकती है। हीरो जब कुर्बानी देता है तो मुकद्दर का सिकंदर कहलाता है। अमिताभ बच्चन ने कुर्बानी दी थी, मुकद्दर का सिकंदर फिल्म थी, ये मुकद्दर है, इस फिल्म में इन्होंने कुर्बानी दी, तो डेफिनेटली ये भारी है, और वैसे भी देखा जाए तो वैसे भी भारी है। सर आपसे जानना चाहूंगा, इतने जो नहीं मैं हीरो करूंगा नहीं ऐसा ऐसा कभी नहीं, लोग रिक्स नहीं लेते हैं ऐसा नहीं। केसारी भाई हमारे जो है बहुत मतलब जॉली, जिसको भोजपुरी में कहा जाता, बहुत मस्ती वाला मिजाज का आदमी हुआ, ऐसा बात नहीं के हम ये सोच ही रहा कि हमारा की जो रहा एक्टिंग करे के बाद जो हमारा से रोल मिल रहा, केसारी भाई के साथ हम एक दो फिल्म कॉमिक भी कहले बैठी, मतलब कॉमेडी भी लगा, और हमें तो बहुत डिफरेंट रोल बा, बहुत खुखार बा, बहुत मतलब पहला बार हम जो बा थोड़ा मेच्योर लुक में आई बैठी, धोती कुर्ता में आई बैठी, और हम ये सोच ला कि कौनों भी काम होके ओके ऐसा करे के बाद कि दर्शक लाइक करो, जो हमारा ऑडियंस जो बात इतना टाइम निकाल के पैसा निकाल के अपन सिनेमा हॉल में आ गए सब आगे ले जाए, तो उनके अच्छा लगे। हमारा के कौनों ये नहीं है कि हमारा के हीरो बने के बाद, हमारा मन में ये बात कि हमारा के जो बा ऑडियंस, हमारे जो बा को एक्टर, हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री याद करें तो बोले कि अयाज खान मतलब एक अच्छा एक्टर, बस यही दुआ बा कि सही है, अच्छा एक्टिंग करते रहें और अपन स्टार लोगन का, अपन भाई लोगन का प्यार आशीर्वाद मिलत रहे। समीम भाई बोले खेसारी सब पे भारी, आप क्या कहें? खेसारी सब पे भारी समीम भाई अभी बोले। हाँ जाहिर सी बात है, जो है हमारे भोजपुरी के जो है स्तंभ है। देखिए ये बात तो थोड़ा सा हंस के बोलूंगा हंसी की बोली एक खुश होके बोल लग रहा है चेहरे पे फांसी का, दो घंटे बाद तुमको फांसी देने वाली है, उस हिसाब से बोलो है ना खेसारी जी भारी हंस के पगले खुश होके। इसमें कोई शक नहीं है खेसारी भाई जो है हमारे भोजपुरी के स्तंभ है, आज जो है अच्छी अच्छी फिल्में दे रहे हैं, और मुकद्दर अभी जो है बिहार में रिलीज हुई, झारखंड में नो डाउट बहुत अच्छा रहा रिजल्ट, और कल भी हम लोग आए थे यहाँ पे, खेसारी भाई नहीं थे, मुंबई से बाहर थे, और जब हम लोग आए तो ऑडियंस पूछ रही खेसारी भाई कहाँ हैं, तो मैंने लिटरली मैंने स्टेज पे बोला कि खेसारी भाई कल आएंगे, परसों भी आएंगे, तो हम ज़रूर उनको साथ में ले जाएंगे, और खेसारी भाई आए भी, और इसमें कोई शक नहीं कि खेसारी भाई आज जो है हमारे ऑडियंस, हमारे जनता के जो है सबसे प्रिय अभिनेता है, और मेरी यही दुआ है कि भाई जो है ऐसे काम करता रहे और हम लोग साथ काम करते रहे और अच्छा काम करते रहे। खेसारी जी क्या खास, कितनी मोहब्बत इस ब्रेसलेट से, और काफी लकी साबित हो रहा है कि आपको तो गिफ्ट देने के लिए आया कि मतलब आज तुमने इस फिल्म में बहुत अच्छा काम किया है, मैं तुमको प्रेजेंट करूंगा, वो बोल दिए थे सुबह फोन में मुझसे, खाली जो खाली इसमें था कुछ देखो निशान है, खाली निकाल दिया कि इसमें अच्छा लगे। क्या कहना चाहेंगे सर, क्या खास है इस फिल्म में, क्यों क्यों? इसलिए कि मैं दानी हूँ, मैं राजा हूँ, और देखिए इस भिखारी ये पहले ही बोल रहा है जी मैं खोल के आया मैं कि ताकि ब्रेसलेट ला के आएंगे वो तो मुझे पहना देंगे, तो मैं इसलिए हीरो हूँ। तो हीरो का मतलब यही होता है इनके मुंह से, जबकि इन्होंने अपने फायदे के लिए बात कही है ना। और जहां तक इस फिल्म का है तो सच में, और अयाज का बहुत डिफरेंट रोल है, और अयाज कोशिश जितना किए है उससे कई गुना ज्यादा इन्होंने अच्छा काम किया मेरे, तो
इनकी बहुत सारी फिल्में होगी एज ए मेन विलेन, लेकिन इस मूवी का एक अलग रूप है इनका। और मुझे भी एक आदमी को, एक यंग आदमी को जो आज 45 वर्ष का आदमी है, ज्यादा बोल रहे मिल गया सामने तो 32 ज्यादा बोल गए आप, लंबाई चौड़ाई बढ़ गई तो उम्र थोड़ी बड़ी, लंबाई चौड़ाई बढ़ गई। जिस आदमी का 20 वर्ष का लड़का हो वो आदमी आज बोल रहा है मेरी 32 वर्ष की उम्र है। मीडिया के कुछ भी मतलब लड़के का देख करते होती अच्छी भी रोकोगे उतने ज्यादा बोलेंगे पहले देखो आप रोको ना तो ज्यादा बेहतर। इनके बेटे की 4 दिन पहले देख होती थी और उसमें गए थे और आज देखिए अब क्या चाहते, मैंने क्या साबित करना चाहते हो आप कमारे हो क्या, मैंने मीडिया के सामने झूठ मत बोलिए अभी तो क्योंकि मैं आपके आपके पार्ट से हाँ बिल्कुल अभी मैं आपके घर परिवार से भी जुड़ा हूँ तो मुझे पता है ना मैंने क्या चाहते हो कि लड़कियाँ आप पे मरे। नहीं मैं ये कब कह रहा हूँ, मैंने कहा कि लड़कियाँ मरे मेरे पे। नहीं मेरे काम मेरे मुझसे प्यार ना कर, मेरे काम से प्यार करे, मेरे काम से प्यार करे। शादी हो जाएगा तो प्यार, मेरा शादी हो गया तो प्यार नहीं करते हैं लोग, करते हैं कि नहीं करते हैं तो आप स्वीकारो। जहाँ ब्याह हो गया नहीं, ब्याह नहीं हुआ है कैसे वैसे ही तो बच्चा तुम्हारा नहीं है। कौन सा बच्चा जो है जो जिसका देखौटी हो रहा था चाचा का लगा था, चाचा का लगा था। देखिए मेरे माथे पे सी लिखा है बेटा, नहीं लिखा है ना तो इसको मानो। तुम कुछ भी मत बोला करो, देखिए इस धरती पे एक ही लड़की बनी होगी जो तुम्हारी जीवन संगी बन चुकी है। अब तुम अपना झूठा वादा लोगों से जो करते हो, तीर फेंकने वाली आदत, तीर फेंकने वाली आदत की लड़कियां मुझे कि मैं कमा रहा हूँ, ये सब क्यों, कितने मैंने कितने लोगों के दिल पर राज करना चाहते हो। ऑलरेडी तुम्हारा इतना बड़ा दिल है कि सारे तुमसे मोहब्बत करते हैं। और आए सच में अयाज एक अच्छे इंसान है, इनकी शादी हुई है बहुत पहले नहीं तत्काल हुआ है, अभी सब पहले हुआ। मजाक शुरू नहीं, अभी तो मजाक नहीं कर रहा हूँ, हर बात में मजाक नहीं करता यार। जो तुम्हारा बेटा है 32 साल का है, 15-16 साल शादी हो तो 16 साल में शादी हो गई थी क्या मेरी? नहीं लड़का हुआ तुम्हारा 20 साल का है, 32 साल का तुम्हारा उम्र है तो 12 साल में शादी 45 साल का हो तो वही तो मैं बोला कि 45 साल के आदमी के साथ अब खड़े लग रहा है। मेंटेन यानी मेंटेन किया है, मेंटेन जो गधे खाते हैं ना, घोड़ा सॉरी घोड़ा चना खाता है ये, तो आदमी मेंटेन किया है। देखिए कोई कह नहीं सकता 45 वर्ष का आदमी है। तो मुकद्दर जो मूवी है, तो मैं आप सबसे एक बात बोलना चाहता हूँ कि मुकद्दर में अभी शमीम भाई बोले हमारे कि मैं भारी हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, सबने अपना काम बेहतरीन किया है, कोई किसी पे भारी नहीं है, हर आदमी ने अपने चीज़ों को अच्छा करने की कोशिश किया है। और एक दीवार और एक जब मकान बनता है तो उसमें ये कोई नहीं कह सकता कि ये मेरा है, उसमें हर आदमी, एक लोहार जो होता है वो लकड़ी का काम करता है तभी खूबसूरत चीज़ें होती है, एक पर्दा वाला आदमी जो दर्जी सी कर पर्दा डालता है वो भी अपना काम करके जाता है, एक बालू सीमेंट देने वाला भी, एक मिस्त्री, एक लेबर, एक पैसा खर्चा करने वाला, एक इंजीनियर, उस ज़मीन का भी उतना ही अहमियत है। तो हर वो चीज़ अपने आप में जब अच्छी होती है तो एक खूबसूरत चीज़ें बनती हैं। तो कहीं ना कहीं हर आदमी ने अपना अच्छा काम किया है, अयाज जी जहाँ भी आए हैं अपने आप को इन्होंने प्रूफ किया है, और इनका कोई बैकग्राउंड इस फिल्म लाइन में नहीं, उसके बावजूद भी आज इतना बड़ा नाम है, अयाज कोई छोटा नाम नहीं, परसे का कोई मोहताज नहीं है, बस आप लोगों और इतनी बड़ी बात, बड़ी चीज़ें और इतनी बड़ी जगह में अपने आप को प्रूफ कर देना, अपने आप को साबित करना, ये बहुत चुनौतीपूर्ण बातें होती है और ये बहुत चुनौतीपूर्ण चीज़ें हैं। तो हम लोग, मेरा भी कोई बैकग्राउंड इस धरती पे नहीं है, मैंने जो भी किया बस आप, मेरी बैकग्राउंड मेरी पब्लिक है जिनके सपोर्ट से मैं कुछ करने की क्षमता रखता हूँ और मैं कुछ कर सका। तो कहीं ना कहीं अयाज का भी यही है कि इन्होंने अपने बलबूते पे आप सबके दिल पर राज करने का काम किया। तो और इस मुकद्दर फिल्म से हमारे शेखर जी जो है एज ए डायरेक्टर आए, और शेखर शर्मा जी को एक म्यूजिक डायरेक्टर से डायरेक्टर बने और उन्होंने एक अच्छी मूवी बनाई। हमारे स्वामी जी चेतन स्वामी जी का बहुत बड़ा योगदान है इस फिल्म के लिए। अब वसीम भाई तो हमारे लिए प्रोड्यूसर हैं ही नहीं, वो तो हमारे भाई की तरह आज भी मोहब्बत करता हूँ, सभी मुझे ज़रूरत पड़ती है 2-4-5 crore की तो बिना सूद के दे देते हैं, अभी दिए नहीं है मेरे लेकिन कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एक मोहब्बत है, वो मोहब्बत में
मोहब्बत में हम लोग एक घर परिवार बन गया है। ये सिनेमा ने मुझे एक नया परिवार दिया से मैं काफी मोहब्बत करता हूँ, हद तक मोहब्बत करता हूँ। और मुकद्दर मूवी का एक मैं हिस्सा बना और मुझे खुशी होती है कि मैं एक अच्छी मूवी का हिस्सा बनता हूँ, तो क्योंकि हर उस कलाकार का एक ही इच्छा होता है कि मैं अगर मैं काम कर रहा हूँ तो मेरे काम का रिजल्ट और मेरे काम की चीज़ें दुनिया तारीफ करे उसको जी। और आज मुकद्दर के लिए हर आदमी बोल रहा है, औरतों का भीड़ काफ़ी उमड़ रहा है, तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि हम अगर कुछ किए हैं और उसको दुनिया सराहती है तो लगता है कि हम अपने मकसद में कामयाब हो गए। हमारी जीत हमारी पब्लिक है और जो हम जीते, और आज जब क्लैपिंग होती है हमारे सिनेमा के लिए तो लगता है कि हम अभी दौड़ निकाले हैं और दुनिया मुझे ताली बजा रही है कि हाँ चल चल बेटा। और हम मंजिल को कभी मंजिल नहीं समझे, जब एक सीढ़ी चढ़ते हैं तो मन करता है कि इसके आगे भी सीढ़ियाँ हैं, तो कोशिश हमारी रहती है कि मंजिल को सिर्फ स्टॉप मत करो। हमारी मंजिल सिर्फ खेसारी लाल तक ही नहीं सिमट जाएगी, खेसारी से और बड़ा मुझे कुछ करना है, तो मुझे मंजिल को स्टॉप नहीं अपने मंजिल को बड़ा करने का काम करना होगा। और उसमें सिर्फ मैं ही नहीं, आयाज का भी यही नेचर है, हमारे समीर भाई का यही नेचर है, तो हर आदमी का यही नेचर होना चाहिए कि अगर हम आज मुखिया बने हैं तो कल हमें विधायक बनना है, विधायक के बाद भी कोई सीढ़ी होती है, उसके बाद भी सीढ़ी होती है, मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक का एक सीढ़ी होता है, तो वो अंत नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उसी तरह हमने कोशिश किया है कि एक मुकद्दर के जरिए कुछ अच्छा सिनेमा देने का काम, और आज साबित भी हो रहा है हर जगह, जब लोग सराह रहे हैं कि मुकद्दर आपकी बहुत अच्छी मूवी। हम भी जब यूट्यूब खोलते हैं तो हर आदमी का एक व्यू आता है कि नहीं भैया कमाल की मूवी है, कमाल के गाने हैं, कमाल की कहानी है, इस फिल्म में मैं मर जाता हूँ, कैसे मरता हूँ जब आप देखेंगे तो पता चलेगा। और अगर आप कलाकारी करना चाहते हैं, आप अगर स्टार बनना चाहते हैं, हमारे पास डेली कम से कम 500 से 700 कॉल आता है सिर्फ काम के लिए, भैया मुझे काम दीजिए, तो आप मुकद्दर फिल्म देखिए, आपको समझ में आएगा कि एक स्टार की ज़िंदगी क्या होती है, गाँव में जीता है, उसकी अपनी कोई खुशी नहीं होती। आज जो आप आज़ादी की तरह घूम रहे हैं, अपने फैमिली के साथ मॉल जा रहे हैं, सिनेमा जा रहे हैं, हम नहीं जा पाते हैं, क्योंकि हमारी दायरा एक ऐसी है कि हम जाते हैं तो वहाँ भी हमें पब्लिक से मिलना पड़ता है, हमें पब्लिक का प्यार लेना पड़ता है, हम किसी को बोल नहीं सकते। अगर आज हमें सर्दी हो जाए, अगर हम आज मरते मरते बचूँ तो भी दुनिया कहेगी कि भैया कल मरिए जाएंगे, फोटो दे के जाइए, तो वो दुनिया है। और लेकिन आज इसी के लिए हम भी मेहनत किए हैं, आज भी किए हैं समीम भाई, हर वो कलाकार इसकी अपेक्षा करता है कि मुझे पब्लिक पहचाने और मुझे पब्लिक की मोहब्बत मिले। और आज मुकद्दर द्वारा हर आदमी का एक मुकद्दर है और मुकद्दर आज सफल है, तो मैं बस ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि हे ईश्वर, इस पूरी टीम की एनर्जी और ऊर्जा ऐसे ही बना के रखिए ताकि हम आने वाली भविष्य में अगर कुछ भी करें तो इससे भी बेहतर करने का कोशिश करें। जब ये बात करें समीम खान जी की, समीम जी देखिए एक अद्भुत एक्टर हैं, अद्भुत एक्टर के अलावा एक इंसान बहुत अच्छे, तो इनके साथ जब मैं काम किया तो मुझे एक द्वेष नहीं लगा, जब होता है ना कि अरे इनका बड़ा रोल है इनका छोटा, और कभी रोने में मुझे ऐसा नहीं किया कि यार मेरे पे ज़्यादा गाना दे दो, मेरे पे ये कर दो। इन्होंने जितना सोचा सिर्फ सिनेमा के लिए सोचा कि हाँ सिनेमा अच्छा बनना चाहिए, और इनके तरफ से कोई भी एक दिन भी ऐसा नहीं मिला और एक दिन भी इन्होंने ऐसी चीज़ें नहीं की जिससे सिनेमा पे नुकसान हो, तो एक सिनेमा के लिए इन्होंने सोचा। इसलिए मैं चाहूँगा कि हर कलाकार को ऐसा ही सोचना चाहिए, इनके तरह सोच होनी चाहिए कि हाँ इंसान सिनेमा सोचे जिससे हमारी अस्तित्व हमारी जीवन हमारी पहचान है। सिनेमा में व्यक्तिगत सोच नहीं रहती, व्यक्तिगत सोच आपकी पर्सनल सोच नहीं होनी चाहिए कि हाँ मैं पर्सनल सोचूँ कि उनको वो दो फैट क्यों मारेंगे, मैं एक फैट क्यों मारूँ, वो इतना काम क्यों करेंगे, इतना गाना उन पर क्यों, मेरे पे क्यों नहीं, नहीं ऐसा नहीं। जो सिनेमा के हित के लिए होना चाहिए उसको सोचना चाहिए, और हर आदमी का एक कर्तव्य है कि हम सिनेमा के हित के लिए सोचें, ताकि सिनेमा सिर्फ मेरे लिए नहीं पूरी पब्लिक के लिए बनती है, हमारी अपनी खुशी नहीं रहती है उसमें, हमारी अपनी ऊर्जा होती है, हमारी एनर्जी होती है, हमारी सोच होती है, तो हम वही सोचें जो हमारी पब्लिक के सोच से मिले और हमारी पब्लिक को आनंद मिले। वन ऑफ द नंबर वन एक्टर हैं, मैंने पहले भी कहा है, और मैंने टॉलीवुड सिनेमा में और अपना जो हिंदी का माजी का इतना बड़ा बॉलीवुड टीवी रिपोर्टर है उसमें भी मैंने इंटरव्यू दिया बकायदा कि जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, इतना स्टारडम होने के बावजूद मतलब लगता ही नहीं है, जैसे सेट पे लगा ही नहीं मुझे कि उनका स्टारडम है। हालाँकि मैंने मनोज तिवारी जी के साथ भी काम किया है, जहाँ स्टारडम दिखा मुझे, मैं चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने अंदर कानून की आप यूट्यूब पे देख सकते हैं,
इनके साथ तो मुझे मनोज भैया बहुत बड़े इस समय बहुत बड़ा नाम है, नो डाउट, बहुत बड़े लेवल पर उन्होंने लोगों पे राज किया है, लेकिन अंधा कानून जिस समय थी तो शायद उतना बड़ा उनका स्टारडम नहीं था फिल्म को लेकर। आज केसारी जी का फिल्म को लेके इतना बड़ा स्टारडम है, तीन हीरो चल रहे हैं इस समय, केसारी जी हों, पवन जी हों और दिनेश जी, ये तीन ही हीरो स्टार हैं। उसके बावजूद भी केसारी जी ने कभी ये नहीं दिखाया कि मैं स्टार हूँ और शमीम खान यहाँ पे फाइट में नहीं रहेंगे। जो सिचुएशन थी फिल्म की कि शमीम खान को उन्होंने बचाया, बचाने की जरूरत जो गुंजाइश थी कि लड़की को लेके भाग रहा हूँ, कितना भागूंगा इन मूवमेंट में, 15 गुंडे अगर भाग रहे हैं कंटिन्यू पीछे पड़े हैं तो कहीं ना कहीं जाके तो हीरो को ट्रैप करेंगे, पकड़ेंगे, तो वहाँ पर आके बचाते हैं। मुझे बहुत अच्छा काम किया, मुझे सपोर्ट किया, मैं तो कई बार कह चुका हूँ थैंक यू। आप हम लोग थोड़ा सा प्रमोशन करने जा रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल, प्रमोशन करके पब्लिक का व्यू लेकर फिर आपको हम बताएंगे जो हमने क्या किया और क्या देखा और हमारी पब्लिक की क्या रुचि, क्या हमारे पब्लिक की रुचि है। और मैं बहुत जल्द चाहूँगा कि मेरे भाई के साथ मुझे दोबारा मौका मिले काम करने का, जो भाई अगर चाहेंगे। हम बहुत जल्दी कर रहे हैं दोनों भाई फिर से, और हम दोनों ही नहीं इंशाल्लाह इनके बेटे की शादी में हम लोग जा रहे हैं, तो फिर मुहूर्त करेंगे भाई। जय भाई देते और जो